बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर। टिकटॉक एक बहुत मशहूर ऐप है और तमाम ही लोग, तमाम ही नौजवान, बल्कि यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि तमाम ही तबका अब टिकटॉक यूज़र है। गो के वो टिकटॉक वीडियोस बनाता हो या ना बनाता हो, मगर वो टिकटॉक पर वीडियोस देखता ज़रूर है, और जब वीडियोस देखता है तो इन नमूनों को भी देखता होगा जो आए दिन वायरल हो जाते हैं और नज़र आते हैं। मगर इनमें कुछ बुज़ुर्ग शख्सियात भी हैं। नाज़रीन, ये बूढ़ा आदमी शायद आपने टिकटॉक पर देखा, क्योंकि इसको बुज़ुर्ग मैं कह नहीं सकता। बुज़ुर्ग उस वक्त कहा जाएगा जब इसको इज़्ज़त के नाम से जाना जाएगा, मगर इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, इसलिए इसको बूढ़ा कहा जाएगा। इस बूढ़े ने क्या किया आप जानते हैं? आप लोग नहीं जानते। नाज़रीन, इसकी एक ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है, या इसकी एक ऐसी वीडियो वायरल थी जो अब मंजरेआम पर आ रही है, कि इज्जतदार लोग इस पर थू थू करेंगे, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे, क्योंकि ये अपना सारा दिन, अपनी सारी शब जवान लड़कियों में गुजारता है, और इसको ठरकी बाबा कहा जाए तो गलत ना होगा। तस्वीर आप देख रहे हैं और इसकी वीडियोस भी ना जाने कैसी कैसी वीडियोस बनाता है, और इनके फॉलोअर्स पर मैं हैरान हूँ। अब मैं वीडियो कैसे दिखलाऊं? मैं आपको वीडियो का पस मंज़र बतलाने वाला हूँ, या शायद आगे चलकर मैं आपको वीडियो भी दिखा पाऊँ कि ये शख्स बिल्कुल अपना बेलिबास होकर अपनी वीडियो बना रहा है, और बेलिबासी के आलम में अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखा रहा है और वीडियो बना रहा है। कहाँ की इंसानियत है? हम कहाँ के मुसलमान हैं? इज्जत, जिल्लत, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ना जाने किसका बुलावा पहले आ जाए। मगर बाद नज़र में अगर देखा जाए तो जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है ना, यानी जो फल पक जाता है वो पेड़ से गिर जाता है, ये पका हुआ फल है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मगर ये क्या कर रहा है? ये क्या मुंह दिखाएगा? ये कब्र में जाकर मुंह क्या दिखाएगा? और ये क्या कर रहे हैं? इसकी सफ़ेद दाढ़ी, इसकी उम्र, इसने अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं किया, और हम जो इनके फॉलोवर्स हैं तूफ है। कभी कभी नाज़रीन मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि हम लोग ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी कोई हकीकत नहीं है, जिनकी कोई असलियत नहीं है, जिनकी कोई रियलिटी नहीं है, हम लोग उनको फॉलो करके बैठे हैं। और ये घटिया लोग, कमीने लोग हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। इनका हकीकत से, आपकी ज़िंदगी से दूर दूर तलक कोई ताल्लुक नहीं है, और ये आपको इंटरटेन भी नहीं कर रहे, इनके पास किसी किस्म का कोई फन नहीं है, मगर हम और आप लोग अपना वक्त बर्बाद करने के लिए इन लोगों को फॉलो करके इनको देखते रहते हैं। क्या टैलेंट है इनमें? फकत अपने ट्राउजर उतार लेते हैं, ये टैलेंट है? अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, ये टैलेंट है? अपनी टी शर्ट को फाड़ना, ये टैलेंट है? अपनी धोती को खोल देना, ये टैलेंट है? खुदा का खौफ करें, ये टैलेंट नहीं है, ये बेगैरती है, और इस बेगैरती से खुद भी बाज रहिए, अपने बच्चों को भी दूर रखिए। हमारे इस पैगाम को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। आप इस पैगाम से मुत्तफिक हैं तो हमारे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अहमद नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।